नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। मुलायम सिंह की विरासत को संभालने के लिए सपा ने उनकी पुत्रवधू और पूर्व सांसद डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी इस बार मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव पर दांव खेलने की सोच रही है। यूपी की मैनपुरी सीट का गणित समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव का दौर चल रहा है। विधानसभा और लोकसभा की रिक्त हुई सीटों पर बाई इलेक्शन कराए जा रहे। इन चुनावों में जो सबसे अहम या कहें हॉट सीट बनकर उभरी है वो है मैनपुरी लोकसभा सीट। यहां उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 5 दिसंबर को मतदान होने जा रहा है। ये पहली बार होगा जब समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह यादव के चुनावी मैदान में होगी और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की अग्नि परीक्षा भी है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का मैनपुरी सीट पर काफी दबदबा रहा है, जिसकी वजह से इसे सपा का गढ़ भी कहा जाता है। एक और अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भी सपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी अपर्णा यादव पर दांव खेल सकती है। बता दें 26 सालों से मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और बीजेपी और कांग्रेस को हर बार इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं मैनपुरी सीट का इतिहास। मैनपुरी सीट का मतलब यादव परिवार। 1996 में मुलायम सिंह यादव जीत कर लोकसभा पहुंचे। 1998 के उपचुनाव में सपा के बलराम यादव जीते। 1999 के लोकसभा चुनाव में फिर से बलराम यादव विजयी हुए। 2004 में मुलायम सिंह यादव दोबारा मैनपुरी से चुने गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह ने सीट छोड़ दी। उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव ने चुनाव जीता। 2009 में फिर से मुलायम सिंह यादव विजयी हुए। 2014 में मुलायम मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों से जीते, लेकिन मुलायम ने मैनपुरी सीट छोड़ दी। उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज की। 2019 में मुलायम फिर से मैनपुरी के सांसद बने। मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव का जादू चलता रहा है, जिसके आगे सारे समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। बता दें इस सीट पर 4.25 लाख यादव, शाक के करीब 3 लाख, ठाकुर 2 लाख और ब्राह्मण मतदाताओं की वोट 1 लाख है। इस सीट पर यादवों और मुस्लिमों का एक तरफा वोट सपा को मिलता है। इसके अलावा अन्य जाति का वोट भी सपा को मिलने से जीत मिलती रही है। बता दें सपा के लिए ये चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य ने मुलायम सिंह यादव को जबरदस्त टक्कर दी थी। इसी वजह से सपा ने मैनपुरी से आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बनाया है, लेकिन इस बार नेताजी भी नहीं है और समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह जग जाहिर है। भले ही मैनपुरी में डिंपल यादव को नेताजी के सिंपैथी वोट मिल सकते हैं, लेकिन बीजेपी सपा के गढ़ में कमल खिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट में अपर्णा यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। बीजेपी का कहना है कि सपा के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरह से कमल खिला है, ठीक वैसे ही मैनपुरी में भी बीजेपी की जीत का परचम लहराएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि सपा नेताजी के गढ़ को बचाने में कामयाब होगी या बीजेपी सपा से मैनपुरी छीन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।